समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यूं तो मुलायम की तबीयत पिछले 2 साल से ज्यादा खराब थी, लेकिन 9 जुलाई को दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद वह ज्यादा टूट गए थे। पत्नी की मौत के 4 महीने के अंदर ही मुलायम सिंह ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी साल 9 जुलाई को मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव की पत्नी का भी निधन हुआ था। उनके निधन के 1 महीने बाद ही मुलायम सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। 22 अगस्त को उन्हें मेदांता में भर्ती करवाया गया था, तब से उनका इलाज चल रहा था। 2 अक्टूबर को हालात ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लगातार उनकी हालत खराब होती रही और आपको बता दें कि उनसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। 8 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद सोमवार यानी आज उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह ने 2003 में साधना को आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। आइए आज आपको मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की मुलाकात कैसे हुई इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। 9 जुलाई को साधना गुप्ता का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ था। 1 जुलाई को ही साधना गुप्ता ब्लड प्रेशर, शुगर और फेफड़े में संक्रमण सहित अन्य बीमारियों की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उन्हें। 10 जुलाई को लखनऊ के पिपरा घाट पर साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे प्रतीक यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। कैसे अपनी उम्र से 20 साल छोटी साधना को मुलायम सिंह यादव अपना दिल दे बैठे, इस पर बात करेंगे। कैसे दोनों शादी के बंधन में बंधे और अब तक उनका रिश्ता कैसा रहा, विस्तार पूर्वक इस पर आज हम आपको बताएंगे। मुलायम सिंह ने साधना के साथ दूसरी शादी की थी। साधना की शादी 4 जुलाई साल 1986 में फारुखाबाद के एक व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। इसके 1 साल बाद 7 जुलाई 1987 को उनके बेटे प्रतीक यादव का जन्म हुआ। प्रतीक के जन्म के करीब 2 साल के बाद साधना और चंद्र प्रकाश अलग हो गए, दोनों का तलाक हो गया। पार्टी के कार्यकर्ता साधना पहले रह चुके हैं, आपको बताते कि साधना पहले पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग होने के बाद साधना गुप्ता ने राजनीति में कदम रखा। वह पार्टी के कार्यकर्ता भी थी। इस दौरान उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। साधना की शादी 4 जुलाई साल 1986 में फारुखाबाद के व्यापारी चंद्र प्रकाश से हुई, जैसा हमने आपको बताया। इसके 1 साल के बाद उनका बेटा भी हुआ और उसके चंद्र प्रकाश और उनके बीच थोड़े उनके रिश्ते सही नहीं होने लगे, इस वजह से जो थे उनकी तलाक हो गया। और जो साधना थी वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता भी थी। इस तरह से उनकी और मुलायम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अखिलेश यादव की बायोग्राफी है एक बदलाव की लहर, उसमें मुलायम सिंह और साधना के रिश्ते का भी जिक्र है। इस किताब में बताया गया है कि मुलायम की माँ मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहती थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब साधना गुप्ता मूर्ति देवी की देखभाल करती थी। एक बार सफाई मेडिकल कॉलेज में एक नर्स गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, उस वक्त साधना ने ही नर्स को रोका। दरअसल साधना जो थी वो नर्स रह चुकी है। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स करने के बाद उन्हें कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में उनके द्वारा काम भी किया गया था। जब ये बात मुलायम को मालूम हुई तो वो साधना से काफी ज्यादा प्रभावित हुई। अस्पताल में ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के रिश्ते के बारे में सिर्फ अमर सिंह को मालूम था। शुरुआत में अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से भी ये बात नहीं कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि साल 1988 में पहली बार मुलायम ने अखिलेश को साधना गुप्ता से मिलवाया, तब वो महज 15 वर्ष के थे। कहा जाता है कि उस वक्त अखिलेश को साधना अच्छी नहीं लगी। एक बार तो साधना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। इसके कुछ समय बाद मुलायम और अखिलेश को पढ़ाई के लिए राजस्थान से धौलपुर स्थित वहां पे एक मिलिट्री स्कूल था, वहां भेज दिया गया था। अब ये भी बात सामने आती है कि साधना जो थी वो काफी लकी साबित हुई मुलायम की जिंदगी में। साल 1987 में पति से अलग होने के बाद साधना मुलायम की जिंदगी में आई। दोनों की मुलाकात बढ़ती गई, प्यार हो गया। इसी बीच साधना मुलायम के लिए लकी साबित हुई। साल 1999 में मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। पहली पत्नी की मौत के बाद साधना को उनके द्वारा अपनाया गया। ये भी बात बहुत बड़ी बात है कि पहली पत्नी का जब देहांत हुआ उसके बाद ही साधना छूटी, साधना से उन्होंने विवाह किया। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। उसी साल मुलायम की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हुआ था।
साधना गुप्ता को पत्नी स्वीकार करने पर अखिलेश यादव अपने पिता से काफी ज्यादा नाराज हुए थे। अखिलेश की नाराजगी पर जो था, नाराजगी पर जो समझौता था वो साधना गुप्ता को पत्नी स्वीकार करने पर अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। कि ये भी कहा जाता है कि तब समझौता हुआ था कि साधना के बेटे प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहेंगे, साधना भी राजनीति से दूर ही रहें। हालांकि बाद में साधना गुप्ता की बहू और प्रतीक ने प्रतीक की जो पत्नी अर्पणा यादव ने जरूर राजनीति में कदम रख दिया। अर्पणा विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, अर्पणा फिलहाल भाजपा में हैं। साधना की मौत जो थी, मौत सहन नहीं कर पाए मुलायम, ये बात भी सामने आ रही है। यूं तो मुलायम सिंह यादव जो थे लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन 9 जुलाई को दूसरी पत्नी साधना की मौत के बाद वो बिल्कुल टूट गए थे। इसके बाद वो ज्यादा बीमार रहने लगे। 3 महीने बाद ही मुलायम सिंह यादव ने अपनी पत्नी के साथ, पत्नी का ध्यान जो हुआ 3 महीने पहले हुआ था, और आज इस दुनिया को उनके द्वारा अलविदा कह दिया। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।